पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो वहां पर नीदरलैंड ने बांग्लादेश को भले ही मात दे दी हो ओडीआई फॉर्मेट में, लेकिन टी20 फॉर्मेट की अगर बात करें तो अभी भी बांग्लादेश का जो नीदरलैंड पे डोमिनेशन है वो लगातार कायम है। जी हाँ, इस मैच से पहले चार बार दोनों टीमें भिड़ी थी, इसमें से तीन बार बांग्लादेश जीता था और एक बार नीदरलैंड जीता था, वो भी 2012 में जाकर। और उसके बाद अब कल का मैच बांग्लादेश जीतने के बाद 4-1 का जो है हेड टू हेड में दोनों टीमों का डिफरेंस हो चुका है। लगातार तीन बार से T20 आई में बांग्लादेश लगातार नीदरलैंड को मात देता हुआ नजर आ रहा है, और इस गेम में भी ऐसा ही हुआ है। कई सारी जगहों पर बांग्लादेश ने जो है नीदरलैंड को मात दी है। सिर्फ ये नहीं कि 25 रन टीम कम नीदरलैंड कम रह गई तो बांग्लादेश जी नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बांग्लादेश ने हर तरह से नीदरलैंड से बेहतरीन काम किया है। बात करते हैं इस मैच में नीदरलैंड आखिर कहां चूका बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फेस बाय फेस से जानते हैं कि कौन कौन से फेसेस में यहाँ पर बांग्लादेश जो है नीदरलैंड को पछाड़ने में कामयाब रहा। जरूर, अगर हम बात करें 1-6 ओवर की तो बांग्लादेश 54 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं नीदरलैंड ने 36 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस बांग्लादेश के नाम रहा। 7-15 ओवर की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश ने 51 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं नीदरलैंड ने 75 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा फेस नीदरलैंड के नाम रहा। 16-20 की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश ने 54 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर डेथ फेस में बांग्लादेश ने। वहीं पर नीदरलैंड ने 19 रन सिर्फ जोड़ पाए और 3 विकेट के गिर गए, और ये फेस भी बांग्लादेश के नाम रहा है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए 159/8 आफ्टर 20 ओवर ये बांग्लादेश का स्कोर रहा। 10/5 जी हाँ, माफ कीजिएगा 5 और 33 डॉट बॉल्स बांग्लादेश ने खेले। बिल्कुल, वही नीदरलैंड जैसे 134 रन पर यहाँ पर 8 विकेट गवाकर पूरे 20 ओवर उनके कंप्लीट हो गए। 37 डॉट बॉल्स नीदरलैंड ने खेली है अपनी इनिंग में, जो लगभग 6 ओवर के बराबर हो जाती है चेस करते हुए, जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है। आप चेस कर रहे हैं और 150 प्लस का टारगेट है तो इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स का गुंजाइश बनती नहीं है, या फिर आपने डेथ ओवर्स कुछ अच्छी खासी हिटिंग की हो वो भी देखने को नहीं मिला। बांग्लादेश का जो आप देखेंगे तीनों फेसेस में, उन्होंने 50 तीनों फेसेस में क्रॉस किए हैं। बिल्कुल, बीच फेस में 50 कोई बड़ी बात नहीं है 54 गेंदों में, लेकिन जो शुरू के पावर प्ले में और डेथ ओवर में तो 50 उन्होंने किए हैं, ये बहुत क्रूशियल साबित हुए। और दोनों ही फेसेस में उन्होंने 50 किए पहले और दूसरे में, और वो दोनों ही फेसेस वो जीतने में भी कामयाब हुए नीदरलैंड से 2-1 के मुकाबले। फेस बाय फेस भी बांग्लादेश ने यहां पर जीते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की, एंड बांग्लादेश के जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं उनकी अगर यहां पर बात की जाए तो विकेट्स ऐसा नहीं कि नीदरलैंड ने शुरू के 6 ओवर विकेट्स नहीं निकाले, विकेट्स वो लगातार ले रहे थे। शंतो का विकेट गिरा, लिथनास का विकेट गिरा, लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट रहा बांग्लादेश का है कि विकेट्स लगातार गिरने के बावजूद भी बांग्लादेश के बैट्समैन ने एक चीज नहीं रोकी। शायद वो पहले से ही ये तय होकर आए थे डगआउट से कि हम अटैक करना नहीं छोड़ेंगे, और वो हमें क्लियरली नजर आया पूरी बैटिंग में। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरीके से तंजीर हसन ने भी अटैक जारी रखा, साकिब ने तो कुछ और ही इनिंग उन्होंने खेली है, बहुत शानदार उनकी इनिंग रही। काफी लंबे अरसे बाद एक ऐसी इनिंग आई है T20 आई में साकिब के बल्ले से, वरना तो उनका वो आ रहे थे और जा रहे थे, यही काम था उनका। लेकिन आखिरकार एक इनिंग आई, इम्पोर्टेंट मैच में, बिल्कुल बहुत बड़े मैच में आई है और बहुत इम्पोर्टेंट इनिंग है, बड़े प्लेयर की तरफ से आई। और बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्राइक रेट को काफी मेंटेन रखा, चाहे वो टीम स्ट्राइक रेट हो या पर्सनली भी अपना खुद का स्ट्राइक रेट भी हो बल्लेबाजों का, काफी अच्छा रहा है। और टीम साकिब ने जिस तरीके से एक छोर संभाले रखा विकेट गिरने के बावजूद भी, वो तेजी उन्होंने बनाए रखी, वो बहुत खुश है। बिल्कुल, और महमूदुल्ला जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले मैच में वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहे थे कि फुल टॉस बॉल को सिक्स के पास नहीं करा पाए, बहुत ही कम रह गया मैच में। बांग्लादेश जो है वही लगभग सुपर एट क्रैक कर लेता, लेकिन इस बार भी साकिब एक तरफ जरूर संभाले हुए थे, लेकिन तौहीदुल्लाह इस बार इस मैच में चले नहीं, उन्हें प्रिंट क्लीन बोर्ड किया। उसके बाद महमूदुल्ला है तो उन्होंने वहां पर एक ठहराव किया, एक 25 रन किया और 25 साकिब के साथ मिलकर एक और बिल्डअप लेके गए और 100 पार करा कर 125-30 तक गाड़ी लेके गए। उसके बाद नीचे आकर जाकिर अली ने जो 7 गेंदों में 14 रन किए, इनका भी स्ट्राइक रेट 200 के आसपास रहा है, और टीम जो है वो 158 ने अपने 150 क्रॉस करने में पूरी तरह से यहाँ पर कामयाब रही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि 150 से नीचे रहते शायद मामला थोड़ा ट्रिकी होता। 150 क्रॉस किया, बहुत ही अच्छा टोटल लगाने का, जिसका पूरा क्रेडिट यहाँ पर जाएगा तंजीद हसन, साकिब अल हसन और महमूदुल्ला और
साकिब की इनिंग्स को और खास करके इनके अटैकिंग अप्रोच को कि विकेट्स गिरने के बावजूद भी अटैक जो है वो बांग्लादेश की पूरी बैटिंग के दौरान इनिंग के दौरान कभी भी रुका नहीं, कभी भी शेल में गया नहीं। एक आध बॉलें कुछ वक्त के लिए गई होंगी लेकिन बड़े लेवल पर अटैक लगातार जारी रहा और वो हमें पूरा देखने को यहाँ पर मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं नेदरलैंड्स के, बहुत डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है खास करके पेसर्स की तरफ से। विविन किंगमा का हम जानते हैं, जब भी विविन किंगमा ने परफॉर्म किया है उनको मूवमेंट मिली है, शुरू में नई बॉल से उनको बहुत जबरदस्त मूवमेंट मिली है, चाहे वो नेपाल के खिलाफ मैच हो या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच ही क्यों ना हो, लेकिन इस मैच में पूरी तरह से मूवमेंट गायब थी और हमने देखा कि उनका हाल क्या हुआ, पूरी तरह से वो बेदम नजर आए, बहुत ज्यादा रूम भी वो दे रहे थे। क्या कहेंगे आप विविन किंगमा और बाकी सारे पेसर्स की बॉलिंग को बारे में? बिल्कुल, बहुत ही एक एवरेज बिलो एवरेज डिस्प्ले नजर आया बॉलिंग का। किंगमा है, लोहान वन भी, बेस डी लीड, प्रिंजल भी इतने खासे नहीं गए, रन्स थोड़े उन्होंने ज़्यादा दे दिए, थोड़े से विकेट अगर यहाँ निकाल पाते ये साथी बॉलर्स तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जिस तरीके से पॉल वैन मेकरेन और आर्यन दत्त ने बॉलिंग कराई है वो बहुत शानदार, लाइन की लेंथ बहुत ही बेहतरीन रही है और खासा परेशान किया उन्होंने बांग्लादेशी बैट्समैन को, विकेट्स भी निकाले हैं, चार विकेट उन्होंने शेयर किए, तो लाइन और लेंथ थोड़ा सा यहाँ से मात खाए हैं, बॉल को सही जगह पर रखने से मात खाए हैं ये जो साथी बॉलर्स हैं, चाहे विविन किंगमा हो, विविन किंगमा को अगर स्विंग नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो ये भी हमें देखने को मिला। एक और बार लोहान वन डीक भी एक इंपॉर्टेंट मैच में, अभेश जी लीड भी काफी लगातार फेलियर हो रहे, बिल्कुल बैट से भी बॉल से जरूर अभी आउट ऑफ फॉर्म, थोड़ा सा रिदम में नहीं है वो, अगर देखे तो जरूर थोड़ा सा शायद वक्त लगेगा उन्हें भी, लेकिन नीदरलैंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बड़े इतने बड़े मैच में इन जैसे प्लेयरों का ना चलना बहुत भारी पड़ा है, लाइन और लेंथ ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं ये दो को छोड़कर साथी बॉल। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही लाइन जोड़ी है आपने कि इतने बड़े मैच में इनके सीनियर प्लेयर बड़े प्लेयर अगर ना चलना टीम को बहुत भारी पड़ा है, जैसे कि यहाँ पर बॉलिंग में अगर बात करें तो लोहान वन डीक और बेस्ट लीड ये नाम देने नहीं हो जाते, और किंगमा को भी इस इतने इंपॉर्टेंट मैच में ही जाकर अपनी मूवमेंट खोनी थी तो डेफिनेटली ये भी एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस होगी जरूर है, और साथ में इसमें अलाउ जरूर करेंगे 10 से 15 रन मिसफील्ड से दिए नीदरलैंड्स ने अपनी इनिंग में, मिसफील्ड्स हुई है, एक सिंगल के डबल गए हैं, ओवर थ्रो गया उसका सिंगल का डबल हुआ है, बॉल हाथ में आ रही थी बॉल छूटी और बाउंड्री पे जाकर टच कर गई, एक रन का 3 रन भी हुआ है, तो मिसफील्ड से 10 से 15 रन दिए, एक आध अच्छी कैचेस जरूर पकड़ी है लेकिन इसका फायदा नहीं है, आपने मिसफील्ड्स में रन्स लगाए वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रहे, एंड एक्स्ट्रास में क्या हाल रहा है, क्या एक्स्ट्रास ठीक ठाक रहे थे, कंट्रोल रहे थे या कंट्रोलेबल थे, एक्स्ट्रास में कंट्रोल था पर मिसफील्ड जो आपको सही बहुत रहा है, मिसफील्ड की वजह से जो बॉलर पे प्रेशर पड़ा है बल्लेबाजों ने भी उसका फायदा उठाया, बिल्कुल किसने कहा 10 से 15 रन मिसफील्ड से उन्हें मिलती है। अब बात करते हैं चेस की यहाँ पर बात की जाए तो चेज में शुरुआत उतनी ज्यादा खराब नहीं रही थी, दोनों ही ओपनर्स को स्टार्ट मिला, माइकल लेविट ने 18 किए, 12 रन मैक्सवेल ने किए, उसके बाद आखिर हुआ क्या, जो विकेट सीख के बाद एक गिरते चले गए, टॉप ऑर्डर का फेलियर सबसे बड़ा सरदर्द है नीदरलैंड के लिए वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिर्फ बात 150 की नहीं, यहाँ अगर 140 का भी टोटल होता ना तो भी आप टॉप ऑर्डर को ऐसी स्ट्रगल करते हुए देखते, लेविट का बल्ला जब से उन्हें वर्ल्ड कप में लिया, किसी ने कभी आपके कम्युनिटी में रखा था, जैसे उन्हें वर्ल्ड कप में लिया गया उसके बाद से पूरी तरह से यहाँ पर उनका बल्ला जो है वो खामोश है और रन अभी भी निकल नहीं रहे, उसके बाद मैच शुड आउट हो, विकेट सीख हो, एंड मैच आपने बारीकी से देखा, क्या बताने की कोशिश करेंगे क्या टॉप ऑर्डर से गलतियां हुई है इस 150 प्लस के चेस को करने? नहीं बिल्कुल, देखिए चेस तो थोड़ा सा जा रहा था, थोड़ा बेटर जा रहा था, शेप अप ले रहा था डेथ फेस के लिए, लेकिन साइब्रेन का जैसे ही एंजल ब्रेज का विकेट गिरता है नीदरलैंड पूरी तरीके से फॉल अपार्ट हो जाता है एकदम, अगर हम देखें बहुत ही पूरी तरीके से पीछे हो जाते हैं मैच में, पार्टनरशिप बनाते हुए चल रहे थे, थोड़ा तेज भी वो खेल रहे थे ताकि रन रेट को भी चेक करते हुए बिल्कुल सही कहा, तो रन रेट को भी वो चेक करते हुए चल रहे थे जरूर, साथी बल्लेबाज आउट होकर जा रहे हैं, थोड़ा पार्टनरशिप कर रहे हैं लेकिन वो वहां थे, पर जैसे ही उनका विकेट ऋषभ हुसैन ने लिया बस उसके बाद बेस ने भी फॉरन ऋषभ हुसैन पर आउट हुए, बिल्कुल कोई उन्होंने कंट्रीब्यूट किया नहीं, और उसके बाद स्कॉट एंड की एक धीमी इनिंग आती चली गई, वो भी आउट होकर चले गए, बहुत प्रेशर, तो वो एग्जैक्टली मूवमेंट था, वरना मिड फेस में आ रही थी टीम, 75 रन मिड फेस में जोड़े, 3 विकेट गवाए, ये इन्हीं की बदौलत हुआ कि इन्होंने पार्टनरशिप भी की पर रन भी थोड़े तेज किए साथी बल्लेबाजों के साथ, पर जैसे ही एंजल ब्रेज का विकेट गिरा बस
टीम बिल्कुल रन रेट जो है वो क्लाइम होता चला गया और फिर टीम जो है वो बहुत पीछे होती हुई चल। बिल्कुल सही कहा। और यानी एक और चीज है, विक्रमजीत सिंह का जो स्टंप हुआ है, जो कितने आगे निकल कर आए हैं, उनका विकेट भी बहुत क्रुशियल रहा है, क्योंकि वो आप देखिए 162 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे 16 गेंदों में 26 रन। अगर वो कुछ देर और निकाल लेते वहां पर तो शायद हमें थोड़ी सी और नवी पार्टनरशिप यहाँ होती हुई देखने को मिल सकती थी। तो विक्रम सिंह ने ट्राई किया, उसे उससे बचा जा सकता था उस वक्त पर, खास करके जब आप देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और सिचुएशन बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो ये जो इस तरह का जो फिनिश का रोल था वो दो प्लेयरों का था, बेसिली और लगान भी, और ये आज पूरी तरह से फेलियर हुए, बॉलिंग से भी फेलियर हुए पूरी तरह से, और यहाँ पर बैटिंग में भी जब जरूरत थी। आप इस तरह की सिचुएशन में किस तरह के बैट्समैन से चाहते हैं कि रन करें, लगान मैन भी बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट था उनके लिए, लेकिन वो रन यहाँ पर कर ही नहीं पाए, बेसिली भी बस आए और गए। तो ये लोअर ऑर्डर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा बेसिली लगान भी का, वो भी काफी कम रहा, और जो ओपनर्स रहे हैं लैवेंडर मैक्स राव, उनकी तरफ से थोड़ा सा और कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल कर आता, या साइमन एंजल बेल और थोड़ा सा लंबा यहाँ पर जा पाते तो इस इनिंग को चेज गो कर पाते। लेकिन जो टॉप ऑर्डर रहा है वो उन्होंने रन्स तो किए लेकिन बहुत गलत टाइम पर अपने अपने विकेट थ्रो करके वो जाते रहे, जिससे साइब्रेंड और बाकी पे प्रेशर पड़ता। और स्कॉट एडवर्ड्स की आप बात करेंगे, T20 में बिल्कुल भी वो फिट नहीं है, बिल्कुल जी एवरेज उनका बहुत खराब है, स्ट्राइक रेट उनका बहुत खराब है, वो बस कैसे भी एज अ कप्तान फिट इन टीम में है, लेकिन T20 आए में उनकी परफॉर्मेंस, खुद की बैटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ देखना आपको चेंज करना होगा, स्पॉट को काम करना होगा जरूर है। चेंज के बारे में तो हम नहीं कहेंगे, ये सब चीजें साउथ एशिया में बहुत होती है, इसको हटा दो उसको हटा दो उसको बाहर काम बाहर फेंक दो उठाकर, ये साउथ एशिया के लिए रहने दीजिए। आप लोगों के यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है, तो नीदरलैंड्स के बोर्ड वालों पर और इन मैनेजमेंट पर भी, कोचेज जो है वो स्कॉट एडवर्ड खुद इतने बेहतरीन प्लेयर है, तो थोड़ा उन्हें समझना चाहिए कि T20 में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का मामला भी आ जाता है, थोड़ा रन के साथ साथ मैटर करता है, जिस डाउन पर आप आते हैं वो तो और ज्यादा मैटर करता है, काफी ओवरकम हो जाते हैं, काफी तेज खेलने की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने ऊपर काम करने की उन्हें जरूरत। बिल्कुल, अब चलते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग की तरफ। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि नीदरलैंड्स के जो बैट्समैन हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं इस चेस को जो है वो बॉटलअप किया है, इसमें बांग्लादेश के बॉलर्स का भी काफी अच्छा खासा हाथ रहा है, उनकी जो स्पिरिट रही है फील्डिंग में हो बॉलिंग में हो वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतरीन रही है। एंड अब चलते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग कार्ड की तरफ, वहां पर आप किस तरह से चीजें देख रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग रही है, पूरा एक ही में आप अगर एनालाइज करने की कोशिश करें, कैसे 150 अबव के टारगेट को यहाँ पर बांग्लादेश ने डिफेंड सक्सेसफुली करने में कामयाब। बिल्कुल, रिशद हुसैन और महमूदुल्लाह का जो ब्रेक थ्रो था वो काम आया, वो क्लिक कर गया बहुत ही अच्छी तरीके से। महमूदुल्लाह ने जो विक्रमजीत सिंह का विकेट निकाला वो बहुत एक सही वक्त पर आया था, और ऋषभ हुसैन ने जो साइब्रेन का विकेट लिया, फिर बेस्टिनिट का, जी हाँ बेस्टिनिट का फौरन विकेट लिया उन्होंने, स्टंपिंग किया बहुत अच्छी, लेग स्पिन थी वो, वहां बस वो काम कर गया। अगर हम देखिए बांग्लादेश के ये दो टर्निंग पॉइंट रहे, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट रहे, और उसके बाद जो फिज ने फिर एक अपना बेहतरीन इकोनॉमिकल स्पेल के साथ जो तेजी के साथ वो गए हैं, 4 ओवर में 12 रन 1 विकेट, फिर उससे तो पूरा ही नीदरलैंड पीछे चला गया, और एक जो लग रहा था कि शायद मार्जिन कम हो सकता है जीत का, वो काफी लंबा बड़ा मार्जिन 25 रनों का। बिल्कुल, तो क्लियर है महमूदुल्लाह का विक्रमजीत का विकेट निकालना उस क्रुशियल वक्त पर, और ऋषभ हुसैन का साइमन एंजल बेल को आउट करना, ये दो बड़े टर्निंग पॉइंट रहे जो बांग्लादेश के फेवर में गए, और ये दो बड़े टर्निंग पॉइंट रहे जो नीदरलैंड से मैच चुनकर बांग्लादेश की तरफ मैच बढ़ता हुआ चला गया। और जहां पर मुस्तफिजुर रहमान इतने, देखिए उनके आयन यही हम बात कर रहे थे, उनके इतने इंपॉर्टेंट मैच में जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उनका परफॉर्मेंस देखिए, महमूदुल्लाह 25 रन 1 विकेट क्रुशियल विकेट, साकिब अल हसन 64 रन एग्जाम्पल है, और उसके बाद अगर आप देखें मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर में 12 रन है, बस, एक बस, बस, उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स का इस मैच परफॉर्मेंस और नीदरलैंड्स के एक्सपीरियंस प्लेयर्स का इस मैच परफॉर्मेंस क्लियर बयां करता है, जहां पर बेस्टली लोगान वैन बी जैसे प्लेयर्स से बिल्कुल टीम को सपोर्ट नहीं मिला, वहीं पर साकिब और महमूदुल्लाह जैसे प्लेयर से बांग्लादेश ने भर भर कर सपोर्ट लिया पहले मैच में, और बांग्लादेश ने बहुत ही कंफर्टेबली एट द एंड 25 रन से इस मैच को जीत लिया। तो कांग्रेचुलेशंस, अब 4 पॉइंट बांग्लादेश के पास हो गए और बहुत सॉलिड कंटेंडर है वो सुपर 8 में जाने का। अब सीधे सीधे नेपाल को हराना है अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे, और श्रीलंका ऑफिशियली आउट हो चुकी है टूर्नामेंट से, नीदरलैंड्स को श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत चाहिए होगी, और उसका असल दुआ करनी पड़ेगी नेपाल बांग्लादेश को हरा दे तब नीदरलैंड सुपर 8 में पहुंच सकता है। तो और नेपाल के पास अभी खुद के हाथ में खुद ही के मौके हैं, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हरा देते तो वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अभी सबसे जो अभी हॉट फेवरेट है वो सीधे सीधे बांग्लादेश है सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, पंद्रह डेट के चैनल के साथ सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।